बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मशीक न्यूज़ के साथ मैं हफीज़ा कवल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान में होने वाले पीडीएम का जलसा नाकाम होगा। अपोजिशन और मुल्क लूटने वाले अफराद अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए एहतजाज, जलसों और धरनों की धमकियाँ दे रहे हैं। सूबाई वज़ीर तालीम बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रेन। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम 6 अक्टूबर को तारीखी ताजर कन्वेंशन और हुस्न कारकर्दगी अवार्ड की पुरस्कार तकरीब क्वेटा में होगी, जिसके दौरान नतीजे बरामद होंगे। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सैयद अब्दुल कय्यूम आगा। खाली आसामियों पर मेरिट के मुताबिक इलाके के हकदार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी में अपना किरदार अदा करेंगे, जिससे महकमा पुलिस का मोराल बुलंद होगा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिपी रीजन सैयद फिदा हसन शाह। आसिफ तरीन ने वजीर आजम इमरान खान की जिंदगी पर लिखी गई किताब गवर्नर पंजाब को पेश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्वेटा रीजन के सेक्रेटरी इतलात मोहम्मद आसिफ तरीन ने गुज़श्ता रोज़ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को अपनी लिखी गई किताब पेश की, जिसमें वजीर आजम इमरान खान की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और पीटीआई की जद्दोजहद का अहाता किया गया है। क्वेटा 23वां वुशू चैंपियनशिप का आगाज हो गया है, जिसका इफ्तिताह सेक्रेटरी पाकिस्तान वुशू फेडरेशन अमानुल्लाह जगजीग ने किया। टूर्नामेंट में सूबे भर के 500 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, तमाम मकातब फिक्र को मिलकर बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए काम करना होगा। मीर हारून रईसानी, इंटरनेशनल थ्रोबॉल कोच गोल्ड मेडलिस्ट मंजूर सरफरा की मशीक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बतौर कोच नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल लेने के बावजूद बलूचिस्तान में पसीराई नहीं मिली। आइए मजीद तफसीलात जानते हैं हमारी स्पोर्ट्स रिपोर्टर सैयद शाज़िब शाह की तफसीली रिपोर्ट में। मंजूर अहमद सरफरा एशियन मेडलिस्ट और बलूचिस्तान के नेशनल और गोल्ड मेडलिस्ट कोच। नेशनल गेम्स में बलूचिस्तान ने शुभकामन दरिंदा थ्रोबॉल में सेकेंड पोजिशन हासिल की, लेकिन इधर बलूचिस्तान में हम लोगों को बदकिस्मती से कहा गया कि इसका ये काउंट नहीं होता है या क्या, लेकिन मैं उन दोस्तों के लिए, उन लड़कों के लिए कहना चाहता हूँ कि पेशावर ने फर्स्ट पोजीशन ली थी दीपिके ने, तो उसी के चंद दिनों बाद ही उधर के ओलंपिक और उधर के स्कोरबोर्ड ने उनको बुला के एजाज़ दिया। और हम लोगों का भी जो नेशनल गेम में टीम गया था वो स्कोरबोर्ड की बदौलत गया था। स्कोरबोर्ड के बगैर सपोर्ट के हम लोग नहीं जा सकते थे, तो हम लोगों ने उधर भी अपना मेडल बलूचिस्तान स्कोरबोर्ड की नाम किया। ग्राउंड के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, ग्राउंड पर हमारे आप लोग खड़े हैं ना, मीर अहमदोपाल ग्राउंड, इसकी हालत आप लोगों के सामने है। जितना हम लोगों के साथ नेशनल एंड दोनों इसके प्लेयर्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में, तो इन हम लोगों को उसी मेयर का ग्राउंड बना के दिया जाए ताकि हम लोग बलूचिस्तान का नाम रोशन कर सकें मजीद। लेकिन आपके सामने ग्राउंड्स की हालत, हम लोग बार बार ऐलान कर होते हैं, लेकिन ग्राउंड्स के लिए हम लोगों का कुछ अभी चार दीवारी आपके सामने, आपको बैक पे शायद नज़र आएगा साइकिल स्टैंड बना हुआ है पूरे ग्राउंड में। पूरे पाकिस्तान में जिधर गर्ल्स ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए चार दीवारी ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को भी कहा जा रहा है कि चार दीवारी बना देंगे, लेकिन अभी तक कोई हम लोगों को खातफा रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है कि मेरे ग्राउंड पे या मीर अनायतुल्लाह थ्रोबॉल ग्राउंड पे कोई काम हो। जो एनजीओस के हवाले से आप कह रहे हैं कि एनजीओस में हम लोगों की जो यहाँ हमें ग्रामीण फाउंडेशन जो बलूचिस्तान स्पोर्ट्स के लिए, और वही फाउंडेशन जो पहली दफ़ा भी हम लोग आए तो उन्हें हमारे खिलाड़ियों का अवार्ड से नवाजा। बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से हमारे अफिसरान के हवाले से हमेशा मेरे साथ थ्रोबॉल के साथ जो तामुन रहा है, तो आसिफ लांगर साहब का शुरू दिन से बहुत इसमें तामुन रहा है, हमेशा थ्रोबॉल के लोगों ने सपोर्ट किया है और इन लोगों ने हमेशा किया है। अंदा भी इनसे उम्मीद रखते हैं कि हमेशा थ्रोबॉल को सपोर्ट कर, ओवरऑल मीडिया तमाम दोस्तों ने थ्रोबॉल को सपोर्ट किया है और हमारी आवाज़ यही अफसरान बाला और बाला अकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि हमारे वो भी चाहते हैं कि जैसे बाकी ग्राउंड्स खूबसूरत बने हुए हैं, तो थ्रोबॉल का भी ग्राउंड एक चार दीवारी हो, ताकि उसमें हमारे गर्ल्स पर्दे में ट्रेनिंग कर सके या हमारे बॉयज़ को भी लगे हम लोगों का एक ग्राउंड। फंड के हवाले से जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि फंड्स के हवाले, जो भी कोई इवेंट ऐसा होता है मेगा इवेंट जैसे नेशनल गेम का, तो उस टाइम के मैं सेक्रेटरी साहब का और अपने डीजी साहब का दुरा बलोच साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों ने हम लोगों को हमारे जो है फंड दिए, उसकी बदौलत हम लोग पेशावर में नेशनल गेम में शमूलियत इख्तियार की। खवातीन विंग में सर थ्रोबॉल को हमेशा हम लोगों को जो सपोर्ट माशाल्लाह कॉलेज से भी मिला है, यूनिवर्सिटी से भी मिला है,
स्कूलों से भी ओवरऑल ख्वातीन का जो फिजिकल है वो हम लोगों के साथ उनका ताउन रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। तो इसीलिए ख्वातीन के ताउन की वजह से मैं कह रहा हूँ हमारे ग्राउंड को उस तरह का हम लोगों को मैनेज करें जैसे हमारे बाकी सूबों में ग्राउंड खड़े करेंगे और हम लोगों को भी वही रुतबा दिया जाए जैसे बाहर हम लोगों को मिलते हैं। नेशनल गेम में अभी एपीके के लड़कों को उसी टाइम उसी महीने में उसी उधर ओलंपिक और उसके उसको उन्होंने बिठा के इज्जत एजाज दिया। सिंध को आप चंद दिनों में आप लोग मीडिया से खुद देखें सिंध को भी जो है चंद दिन होते हैं उनको जो है बुला के तमाम प्लेयर्स को अवार्ड दिया गया। आया ये बलूचिस्तान में सिर्फ थ्रोबॉल के साथ ये सलूक आप लोग खुद अच्छा है ये मीडिया के हवाले से और थ्रोबॉल के हवाले से मैं अपने प्लेयर्स को और अपने नए आने वाले प्लेयर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग थ्रोबॉल में जो आते हैं थ्रोबॉल में आप लोग आ जाएं आप लोगों को बलूचिस्तान एसोसिएशन की पूरी टीम की तरफ से तो फुल सपोर्ट दिया जाएगा आप लोग खेलें और थ्रोबॉल में वाइड हम लोग इस टाइम कहते हैं बाल वाले गेमों में हम लोग हैं जो बलूचिस्तान के लिए कोई टाइटल पाकिस्तान का ऐसा नहीं कि जो लाया नहीं और इंटरपोल जैसे जो पहली दफ़ा थ्रोबॉल उसमें इन हुआ वो भी बलूचिस्तान ने उसको विन करके हैदराबाद से यहाँ लाया जो इंटरबोर्ड एजुकेशन वालों के लेकिन उसमें भी हमारे बच्चों ने पूरे पाकिस्तान में गोल्ड मेडल हासिल करके ये साबित कर दिया कि हम लोग थ्रोबॉल में अच्छे हैं और लेकिन हम लोगों को वही सपोर्ट वही ग्राउंड सहूलियत। अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।